नेपाल में तारा एयर का एक विमान रविवार को क्रैश हो गया। फ्लाइट में क्रू मेंबर्स सहित 22 लोग सवार थे। इसमें 4 भारतीय, 2 जर्मन और 13 नेपाली मूल के लोग थे। आपको बता दें कि सोमवार सुबह 10:30 बजे तक 16 शवों को बरामद किया जा चुका है, बाकी 6 शवों को ढूंढा जा रहा है। पहाड़ की चोटी से टकराने के करीब 100 मीटर के इलाके में विमान का मलबा फैला हुआ है। क्रैश हुए तारा एयरलाइंस के प्लेन के मलबे की तस्वीर सोमवार को सामने आई। तस्वीर सामने आने के कुछ देर बाद नेपाली मीडिया ने दावा किया कि प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है। प्लेन का मलबा मुस्तांग इलाके के कोबन में मिला है। पहाड़ के चारों ओर बिखरे शवों को इकट्ठा किया जा रहा है। साथ ही साथ रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्तांग जिले के कुछ स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र में तेज आवाज सुनी, लेकिन मौसम का ठीक न होने की वजह से सुरक्षाकर्मी और स्थानीय लोग संदिग्ध दुर्घटना स्थल तक नहीं पहुंच सके। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के प्रवक्ता देवचंद्र लाल कर ने कहा कि एक आपातकालीन लोकेटर ट्रांसमीटर ELT के आधार पर उन्होंने ये संभावित क्षेत्र का पता लगाया है। आपको बता दें कि ELT एक इमरजेंसी बीकन है जिसका उपयोग विमान में बचाव अधिकारियों को सतर्क करने और संकट में एक विमान के स्थान और पहचान की जानकारी देने के लिए किया जाता है।